हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल खोड विद्यालय पे। मैं हूँ सत्या और आज की इस वीडियो में हम लोग एडिट पे काम करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग एडिट का केवल व्यू स्क्रीन क्रिएट किए थे, और अभी इस बार हम लोग क्या करेंगे, एडिट पेज पे जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वो सारा डेटा रीड करके हम लोग पर्टिकुलर रो को अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी एक एडिट का मेथड क्रिएट कर रखे थे। अभी इसी तरह सिमिलर वे में हम लोग को क्या करना होगा, HTTP पोस्ट का हम लोग यूज़ करेंगे और एडिट के लिए क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ये हो जाएगा सेम नेम, और इसके अंदर हो जाएगा हमारा कैटेगरी ओबीजे, और यहाँ पे भी हमारा आई फॉर्म फील फाइल्स होगा क्योंकि यूजर फाइल्स जो है यहाँ पे भी अपलोड कर सकता है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा HTTP पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट एंटी फॉरेन की, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे कि इज इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड होगा तो ही इसके अंदर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। और अगर वैलिड नहीं है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये हमारा मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न टू, इसी पेज पे ही रिटर्न व्यू कर देंगे, ठीक है। जो भी हमारा कैटेगरी आ रहा है सेम कैटेगरी वापस चला जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को एडिट पे काम करना है। तो एडिट केस में क्या करना है, बेसिकली हम लोग को चेक करना होगा कि अगर ये डिफ़ॉल्ट इमेज यूआरएल जो है, क्योंकि यहाँ पे जब आप बिना फाइल अपलोड का आएगा तो फाइल्स अगर नॉट इक्वल टू नल है उस केस में हम लोग का क्या करेंगे, ये तो फाइल्स को अपलोड करेगा, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट इमेज यूआरएल जो है अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तो क्या करना होगा, पहले हम लोग को ओल्ड इमेजेस जो भी होगा उसको हटाएंगे, डिलीट करेंगे और नए इमेजेस को हम लोग यहाँ से इंसर्ट करेंगे, अगर कोई यूज़र एडिट करते समय इमेज को अपलोड करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, इफ़ ओबीजे डॉट डिफॉल्ट इमेज यूआरएल जो है अगर नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी इस पर फाइल्स है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिलीट करेंगे। सो वेयर ओल्ड फाइल, चाहे इसको ओल्ड इमेज इक्वल टू पाथ डॉट कम्बाइन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा www.rootpath.obj. जो भी हमारा डिफॉल्ट इमेज यूआरएल आ रहा है वो obj.defaultimageurl. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम स्टार्ट का यूज़ करके उसका स्लैश जो है चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, दो सिंगल कोट और दो स्लैश, ठीक है। ये हो गया हमारा ओल्ड इमेजेस। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, इफ़ अगर सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल डॉट एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन नहीं, एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है ओल्ड इमेज, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, सिस्टम डॉट आई ओ डॉट फाइल डॉट डिलीट, और डिलीट के अंदर हो जाएगा हमारा ओल्ड इमेजेस, ओल्ड इमेज जो भी आ रहा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया, हम लोग का जो भी नया पुराना इमेज है वो डिलीट हो जाएगा और नया इमेज जो है वापस फिर से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोग क्या हो रहा था, क्रिएटेड बाई हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, मॉडिफाइड बाई। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडिफाइड बाई एप्लीकेशन यूज़र और डेट, मॉडिफाइड डेट मतलब किस डेट को ये अपडेट हो रहा था, इसको हम लोग मॉडिफाइड डेट कर दे रहे हैं। और अभी यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ को ले ले रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी डॉट ऐड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव, और ये हो जाएगा मैसेज सक्सेस, कैटेगरी सेव्ड की जगह हो जाएगा अपडेटेड सक्सेसफुली, रिडायरेक्ट टू एक्शन स्क्रीन, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एडिट का, एक बार रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लॉगिन करेंगे एज एडमिन लॉगिन। कैटेगरी पेज, और यहाँ से हम लोग करेंगे एडिट, और ये हो गया एडिट। सो एडिट का हम लोग ऑलरेडी फंक्शनलिटी लिख रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट कैटेगरी नेम जो है बोर्ड विद्यालय लिख दे रहे हैं, और इसको एक बार अपडेट करके चेक करते हैं कि वैल्यू जा रही है कि नहीं जा रही है। कुछ तो गड़बड़ है, एक बार ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। एडिट, यहाँ से अपडेट करेंगे, ब्रेक पॉइंट पे है, फाइल्स की वैल्यू नल है, ओबीजे में सारा वैल्यू है, इज एक्टिव टू मॉडिफाइड बाई, ओके, आईडी भी हमारी है, चेक करते हैं कि क्या है। ओके, मॉडल स्टेट हमारा वैलिड नहीं दिखा रहा, क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ओके, तो हमारा ये वैलिड है, ये इनवैलिड है क्या, फाइल, ठीक है, इज एक्टिव, कैटेगरी नेम, ये सब है, लेकिन हमारा फाइल जो है इनवैलिड है। ठीक है, तो पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, तो उसका जो है यहाँ पे हम इसको एज ए नलेबल डिक्लेयर कर दे रहे हैं। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, लॉगिन, कैटेगरी पेज, एडिट सेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग नाम को बोर्ड विद्यालय डाल दे रहे हैं, अपडेट क्लिक करेंगे, ब्रेक पॉइंट हिट हुआ, अभी हमारा फाइल्स की वैल्यू है, मॉडल जो है देखते हैं F10, अभी ये वैलिड हो गया। प्रॉब्लम ये था कि ये जो हम लोग फाइल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए थे ये नलेबल नहीं था, अभी यहाँ पे हो गया हमारा मॉडल वैलिड हो गया। अब इसके अंदर आएंगे, सिमिलर वे में सारा ये फाइल्स अगर नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अगर हम लोग कोई फाइल अपलोड नहीं किया तो ये इस सेक्शन के अंदर ही नहीं जाएगा। ठीक है, और मॉडिफाइड बाई हो गया हमारा, जो नए यूज़र अपडेट कर रहा है, डेट हो गया, यूनिट अपडेट करते समय इशू, द मेटर ऑपरेशन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, एक बार इसको फिक्स कर लेते हैं। इसको स्टॉप करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं किए थे तो ये एरर तो आना ही है, तो ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी। इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट अपडेट। ठीक है, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, पूरा फील्ड आपको अपडेट नहीं करना, अपडेट नहीं करना है, पर्टिकुलर 4 या 3 कॉलम्स अपडेट करना है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी उसको रीड करके, जो नया वैल्यू आ रहा है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे पास करेंगे, तो पर्टिकुलर फ्यू रिकॉर्ड्स, फ्यू फील्ड्स ही जो है हमारे अपलोड होंगे, तो यहाँ पे हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगरी का जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो पास कर देंगे अपडेट के लिए। तो ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन भी, लास्ट में हम लोग शायद इसको मिस कर गए थे इम्प्लीमेंट करना, तो एक बार एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं। ठीक है, लॉग इन, कैटेगरी पेज, एडिट सेक्शन, और यहाँ पे कोड विद्यालय, ठीक है, अपडेट, ब्रेक पॉइंट हम लोग का हिट हुआ, मॉडल हम लोग का वैलिड है, फाइल्स हमारा नल है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, मॉडिफाइड ये हो गया, अपडेट, सेव, अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से रिडायरेक्ट होगा कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम भी जो है अपडेट हो गया, तो ये हो गया हमारा एडिट सेक्शन। सो एडिट में हम लोग का काम कर रहा है, एक बार और अपडेट कर ले रहे हैं, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, इमेज को चेंज कर ले रहे हैं, इस बार इस इमेज को डाल देते हैं। ठीक है, अपडेट करेंगे, ब्रेक पॉइंट हिट हुआ, F10, सो इस बार हमारा फाइल्स जो है नॉट इक्वल टू नल है तो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अगर इस इमेज पे ऑलरेडी हमारा फाइल्स अपलोड है, इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ से डिलीट कर रहे हैं,
ठीक है, फाइल्स हमारा डिलीट हुआ। अब जो हमारा न्यू फाइल्स का पाथ और फाइल नेम बन रहा है उसको हम लोग वापस डिफ़ॉल्ट इमेज यूआरएल में डाल रहे हैं और यहाँ से इसको वापस अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब हम लोग क्या करेंगे, डिलीट पे काम करेंगे। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर वे में पहले प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड को डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और ये हो जाएगा हमारा डिलीट। ठीक है, और इंट आईडी, और यहाँ पे हम लोग को क्या चेक करना होगा, इफ जो भी एक डिलीट हम लोग का आईडी आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे आईडी इक्वल टू नल, अगर ये नल हुआ। ठीक है, और आईडी इक्वल टू जीरो उस केस में, यानी कि ये इनवैलिड डेटा है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न नॉट फोन। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर ओबीजे इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे आई यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी डॉट गेट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे यू गोज टू यू डॉट आई डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो आई डी आ रही है वो आई डी, सॉरी आई डी, और इफ ओबीजे एक और वैलिडेशन ओबीजे डॉट सॉरी ओबीजे नॉट इक्वल टू नल, चाहे इसको यहाँ से ओबीजे इक्वल टू नल, अगर ये भी सपोज जो भी आईडी कुछ भी पास किया अगर नल आया उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न नॉट फाउंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल इक्वल टू होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर सब सही रहा तो हम लोग का जो भी ओबीजे है उसको रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न, अगर रिकॉर्ड वैलिड है सो हम लोग यहाँ से व्यू क्या रिटर्न करेंगे, ओबीजे। ठीक है, ओके। अब यहाँ से इसका एक पेज बना लेते हैं, ऐड व्यू करेंगे, ब्लैंक को ही उठा लिए और इसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं डिलीट। ठीक है, और सेम हम लोग एडिट वाला कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इसमें एक चेंज ये होगा कि हम लोग का जो भी टेक्स्ट टाइप प्रॉपर्टीज है वो सब रीड ओनली होगा, सो उसको हम लोग रीड ओनली डिक्लेयर कर ले रहे हैं। कैटेगरी नेम हमारा रीड ओनली हो गया, कैटेगरी स्लग हमारा रीड ओनली हो गया, और फाइल्स भी हम लोग यहाँ से यूज़र को अपलोड नहीं करने देंगे, ये भी नहीं होगा, चेकबॉक्स भी नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन भी नहीं रहेगा, बटन सबमिट अपडेट की जगह पे हो जाएगा हमारा डिलीट बैक टू द लिस्ट। ठीक है, अब वो वापस आएंगे और एक और इसका HTTP पोस्ट मेथड बना लेते हैं हम लोग। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट पोस्ट इंट आईडी, यहाँ पे दोनों का पैरामीटर सेम है इसलिए हम मेथड का नाम अलग कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हो जाएगा वेयर ओबीजे इक्वल टू अंडरस्कोर आई यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी डॉट गेट फर्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू, इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे आईडी इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो आईडी आ रहा वो। ठीक है, स्मॉल में इसको डिक्लेयर कर दे रहे हैं, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और वैलिडेशन लगा लेते हैं, ओबीजे अगर इक्वल टू नल है। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नॉट फाउंड, नॉट फाउंड,
और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी डॉट रिमूव, ठीक है, यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे और इसके अंदर हो जाएगा हमारा ओबीजे, जो भी रिकॉर्ड आ रहा है वो रिमूव करने के बाद आई यूनिट ऑफ वर्क सॉरी यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव, और यहाँ पे हम लोग का टेम्प मैसेज, सो ये सक्सेस की जगह क्या हो जाएगा, सक्सेस ही रहेगा, इसको सक्सेस ही रखते हैं, और कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग रिटर्न टू इंडेक्स पेज, ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीट का, और डिलीट का पेज भी बन गया। एक बार एप्लीकेशन को रन करने से पहले इंडेक्स में जाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट की जगह पे क्या हो जाएगा डिलीट, और यहाँ पे भी हमारा एस राउट जो होगा एसपी राउट आईडी एट द रेट आइटम डॉट आईडी, ठीक है, इसमें भी हम लोग को आईडी चाहिए होगा तो यहाँ से हम लोग पास कर दिए, ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं एप्लीकेशन को। ओके लॉग इन एज एडमिन, ठीक है, कैटेगरी पेज पे जाएंगे। अभी हम लोग का ऐड एडिट डिलीट तीनों फंक्शनलिटी हो गया, तो पहले हम लोग डिलीट पे देख लेते हैं। डिलीट की क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज पे रिडायरेक्ट हुआ, यहाँ पे सारा रीड ओनली है, ठीक है, फाइल्स अपलोड काम कर रहा है, तो इसको भी एक बार चेंज कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट से हम लोग इसको डिसेबल कर देंगे, और यहाँ से हम लोग जब डिलीट क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए, डिलीट नहीं हुआ, एक बार इसको हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा के चेक करते हैं, कैटेगरी डिलीट, ओके, सो ब्रेक पॉइंट लगाने से पहले डिलीट के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोग का मेथड नेम जो है चेंज हो गया है, ठीक है, तो इसको लोग क्या करेंगे पहले स्टॉप करेंगे, और यहाँ पे हम लोग दो और चीज़ मिस कर गए हैं वो भी ऐड कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा एच टी टी पी पोस्ट, ओके, एक्शन नेम, क्योंकि मेथड नेम डिफरेंट है तो हम यहाँ पे एक्शन नेम जो है सेम कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैलिडेट एंटी फॉरेन टोकन की, ठीक है, अभी ये काम करेगा, रन करते हैं, ओके, लॉगिन, एडमिन, कैटेगरी पेज, और यहाँ पे ये हो गया हमारा डिलीट, इसको यहाँ से हम लोग करेंगे डिलीट, ठीक है, आईडी हमारा 1F10 रिकॉर्ड, उसको नल नहीं मिला, रिमूव हुआ, डिलीट हुआ, सक्सेस मैसेज आएगा, रिडायरेक्ट होगा इंडेक्स पेज पे, ठीक है, कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, उसी तरह इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं हम लोग, डिलीट, ब्रेक पॉइंट हटा दे रहे हैं, डिलीट, इसको भी हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट, सारा रिकॉर्ड हम लोग डिलीट करते हैं, तो सारे रिकॉर्ड हम लोग डिलीट कर दिए, अभी हम लोग क्या करेंगे एक नया फ्रेश रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे रहे हैं, तो पहला हमारा कैटेगरी नेम हो जाएगा सी शार्प, और इसका स्लग हो जाएगा सी शार्प, फाइल्स जो है फाइल्स की जगह पे हम लोग कोड विद्यालय का इमेज उठा दे रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारा दिस कैटेगरी कैटेगरी फॉर सी शार्प, ठीक है, कोडिंग कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे इज एक्टिव, यहाँ से क्रिएट करेंगे हम लोग का नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटेगरी पेज रेडी हो गया, जिसमें हमारा ऐड हो गया, एडिट हो गया, डिलीट हो गया, ये तीनों फंक्शनलिटी हम लोग इसमें इंक्लूड कर दिया, लिस्ट भी हम लोग बाइंड कर रहे हैं, तो अभी जैसे ऐड क्लिक न्यू कैटेगरी करेंगे तो अगर ये कैटेगरी नेम वैलिडेट
सपोज ये वैलिडेशन है, मतलब मैंडेटरी फील्ड है, अगर हम यहाँ पे क्रिएट क्लिक करेंगे तो अब अगर आप देख रहे होंगे तो पेज राउंड ट्रिप हो रहा है, ठीक है, मैसेज आ रहा है द कैटेगरी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, पर पेज क्या हो रहा है, पूरा राउंड ट्रिप हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्वर साइड से हटा के क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन डालेंगे और थोड़ा सा अलाइन भी कर देंगे पेज को, और यहाँ पे आइकॉन मिसिंग है उसको डालेंगे, यानी हम लोग का कैटेगरी पेज जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आगे सारे जो पेजेस हैं लगभग सिमिलर यूआई और स्टाइल्स के होंगे, तो एक को हम लोग कंप्लीट करेंगे और सिमिलर वे में कॉपी करके दूसरे पेजेस को क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।